बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस पाकिस्तानी कुजीन में आज हम पेशावरी चर्सी चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और हर एक को पसंद आने वाली डिश है। साथ ही झटपट तैयार भी हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डालेंगे। इसके अंदर 1 kg चिकन डालेंगे। और तेज आंच पर फ्राई कर लेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। अब इसके अंदर 10 हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट कर डाल देंगे। साथ ही 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन और 2 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक डालेंगे और इतना पकाएंगे कि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। एक टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। अब 3 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो चुका है। अब इसमें 1/2 kg टमाटर को पकाकर उसका छिलका उतार कर और मोटा मोटा पीस कर डाल देंगे। मिक्स करेंगे। एक कप दही को भी बीट कर डाल देंगे। मिक्स करके मीडियम लो आंच पर ढक्कन बंद करके चिकन गलने तक पका लेंगे। चिकन अब गल चुकी है। आंच तेज करके इसको भून लेंगे। जब तेल अलग हो जाए और हल्की सी ग्रेवी रह जाए तो जलते हुए कोयले को रखकर ऑयल डालकर ढक्कन बंद कर देंगे, ताकि कोयले की खुशबू सालन में रच बस जाए। अब हमारी पेशावरी चिकन चर्सी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसको डिश आउट कर देंगे और जुलियन कटी हुई अदरक से गार्निश कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर।